वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे लास्ट वाले सेशन में क्या देखा था हमने। तो लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी कि प्लांट लेआउट है क्या, प्लांट लेआउट का एक्सप्लेनेशन देखा था हमने, अच्छे प्लांट लेआउट के एडवांटेजेस देखे थे और प्लांट लेआउट जब तैयार करते कौन कौन से फैक्टर हम कंसिडर करेंगे प्लांट लेआउट तैयार करने के लिए, वो चीज हमने लास्ट वाले सेशन में देखी थी। इस सेशन में हम बात करेंगे कौन कौन से टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं और उसके कुछ एडवांटेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कंटेंट देखने वाले हम इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, उसके बाद बात करेंगे प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट, उसके बाद लिमिटेशन देखेंगे उसकी, उसके बाद बात करेंगे प्रोसेस लेआउट और फंक्शन लेआउट, उसके बाद उसके एडवांटेजेस और आखिर में कुछ यही इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट लेआउट के टाइप्स कौन कौन से। तो यहां पर आपको दिखाए गए कि कौन कौन से टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं। यह टाइप दिखाए गए उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा प्रोडक्ट लेआउट और लाइन लेआउट। आपको प्रोडक्ट लेआउट कह सकते हो और उसको लाइन लेआउट भी बोल सकते हो। सेकंड टाइप से हमारा प्रोसेस लेआउट और फंक्शन लेआउट। थर्ड है फिक्स पोजीशन लेआउट और आखिर में कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट। जो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट है वो हमारा प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन टाइप लेआउट। सबसे पहले बात करें प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। प्रोडक्ट लेआउट का दूसरा नाम है लाइन लेआउट, आप उसको लाइन लेआउट भी बोल सकते हो। यहां पर आपको दिखाया गया है कि प्रोडक्ट लेआउट है क्या, हम शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करें कि प्रोडक्ट लेआउट है क्या और कौन कौन सी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लेआउट का यूज होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट लेआउट मास प्रोडक्शन करना है आपको, मींस मास प्रोडक्शन मींस कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना है तब प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है। सबसे पहली बात प्रोडक्ट लेआउट यूज कब होता है, तो आपको मास प्रोडक्शन मींस कंटिन्यूस प्रोडक्शन चाहिए तब प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है। अब प्रोडक्ट लेआउट के अंदर मशीन इक्विपमेंट और सर्विसेज कैसे लोकेट की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर मशीन इक्विपमेंट और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन लोकेट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन लोकेट किया जाता है उसको ही बोलते हैं हम प्रोडक्ट लेआउट। मींस सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपको टर्निंग करना है, उसके बाद ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस है, उसके बाद असेंबली है, मींस जैसे अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन आप मशीन को लोकेट करेंगे आपके प्लांट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। अब यहां पर दिखाई गई उसके बारे में बात करें, इफ द ऑल प्रोसेस इक्विपमेंट एंड मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेआउट। मैंने बात की अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आप मशीन और इक्विपमेंट को लोकेट करें तो उस लेआउट को हम प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं। बात करें प्रोडक्ट लेआउट के बारे में आगे, द रॉ मटेरियल सप्लाई, जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई कैसे होगा, वन एंड मींस एक एंड से आपका रॉ मटेरियल सप्लाई होगा और वहां से पास होके आप लास्ट वाले एंड पर आपको फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलेगी। तो बीच में जैसे जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा है वैसे वैसे आपको मशीन और इक्विपमेंट को लोकेट करना है। तो यह है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लेआउट का यूज होता है, यह एक एग्जांपल है प्रोडक्ट लेआउट का। आगे बात करें तो प्रोडक्ट लेआउट है कैसा उसके बारे में यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, आप देख सकते हो कि कार की जो सर्विस हो रही है उसका एक लेआउट यहाँ पर हमने दिखाया है। और उसके बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले क्लीनिंग, कार दिखाई गई आपको, कार वेटिंग में सबसे पहली कार जा रही है क्लीनिंग के अंदर, उसके बाद हॉट वाटर स्प्रे, उसके बाद बात करें तो वॉशिंग में जा रही है। यही सिक्वेंस जो भी हमारी ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इक्विपमेंट रखे और मशीन रखे गए हुए। तो यहाँ पर आपको कार वॉशिंग का एक लेआउट दिखाया गया है, उस लेआउट में आप देख सकते हैं कि वन एंड से आपकी जो प्रोडक्ट है मींस जो कार है वो
एंटर हो रही है और लास्ट वाले एंड में आपका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जो जैसे जैसे ऑपरेशन है वैसे वैसे ही हमने वहां पर मशीन को लोकेट किया गया है। तो यहाँ पर हमने दिखाया गया है कि कार वॉशिंग कैसे होती है और कार वॉशिंग के जो भी स्टेजेस है, जिस स्टेज में से हमारी कार पास होने वाली है वही स्टेज हमने सीक्वेंस वाइज सेट किए गए हैं। तो वैसे ही इंडस्ट्री में जब प्रोडक्ट लेआउट यूज करते हैं तब प्रोडक्ट लेआउट के अंदर मशीन इक्विपमेंट और सर्विसेज लोकेट की जाती है। आगे बात करें, कुछ एडवांटेजेस दिखाए गए हैं प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के बारे में। लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्यों लो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट? क्योंकि सीक्वेंस में ही काम हो रहा है, हमको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए कोई टाइम नहीं लगने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन टाइम वहां पर होगा नहीं, क्योंकि तरह मीन्स तुरंत ही दूसरे डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट चली जाएगी। तो लो मटेरियल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, जो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कम कॉस्ट में हमको प्रोडक्ट मिलेगी। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, देयर इज अ लेस वर्क इन अ प्रोसेस, कम काम किया जाता है, मींस लेस वर्क इन अ प्रोसेस में काम होता है, मींस कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन, मैन एंड मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट लेआउट में। लेस स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमने सेट किया हुआ है सभी मशीन और इक्विपमेंट को, तो जो ऑपरेशन जो काम करेगा एम्प्लॉय वही एम्प्लॉय को हमको यहाँ पर सेट करना है, मींस लेस स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड। लो यूनिट कॉस्ट ड्यू टू हाई वॉल्यूम, मैंने बोला कि प्रोडक्ट लेआउट मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब मास प्रोडक्शन में जब प्रोडक्ट तैयार होती है तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको लो कॉस्ट में मिलेगी, मींस कम कॉस्ट में आप एक प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। स्मूथ एंड सिंपल ड्राइव फ्लो, इजीली फ्लो आपका प्रोसेस का जो फ्लो है वो इजीली हो सकता है, प्रोडक्ट जो फ्लो कर रही है इंडस्ट्री के अंदर वो इजीली फ्लो हो सकती है। इंस्पेक्शन कैन बी रिड्यूस, इंस्पेक्शन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट लेआउट में। और टाइम डिले इज रिड्यूस, टाइम जो डिले हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम लग रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्ट तैयार होने में हमको डिले हो रहा है वो इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किए कुछ एडवांटेजेस जो प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के, आप उसको प्रोडक्ट लेआउट भी बोल सकते हो और लाइन लेआउट भी बोल सकते हो। सबसे पहले बात करें अब लिमिटेशन के बारे में, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट की लिमिटेशन क्या है। प्रोडक्ट डिजाइन चेंज और प्रोसेस चेंज, आप एक चीज ध्यान रखना प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के बारे में, मींस जब जिस भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट और लाइन लेआउट यूज हो रहा है वहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, एक ही टाइप की प्रोडक्ट वहां पर आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आप मास प्रोडक्शन में वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, मींस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसका यह लिमिटेशन है। उसके बाद लेस मशीन यूटिलाइजेशन, मशीन का यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं कर सकते हो आप, और लेस फ्लेक्सिबल, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो ज्यादातर, क्योंकि एक ही टाइप की प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो, वेरियस टाइप की प्रोडक्ट अंदर तैयार नहीं होगी। एक मशीन स्टॉप हो गया, लास्ट वाले जो लिमिटेशन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो गया, मींस ब्रेकडाउन हो गया, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगी। यह एक मेजर डिसएडवांटेज है प्रोडक्ट लेआउट का। अब हम बात करेंगे प्रोसेस और फंक्शन लेआउट के बारे में। प्रोडक्ट लेआउट के बारे में हमने बात कर दी एडवांटेजेस लिमिटेशन क्या है, अब हम बात करेंगे प्रोसेस और फंक्शन लेआउट, आप उसको फंक्शन लेआउट भी बोल सकते हो और प्रोसेस लेआउट भी बोल सकते हो। तो प्रोसेस लेआउट में है क्या, कैसे प्रोसेस लेआउट होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले बात करें, प्रोसेस लेआउट तब तैयार किया जाता है जब आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, मींस एक से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब प्रोसेस लेआउट यूज होता है। एक एग्जांपल के बारे में बात करूं, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मींस जब लेज या बालाजी वेफर तैयार कर रही है उसके अंदर आप कुछ दूसरे स्नैक्स तैयार करने हैं तो प्रोसेस लेआउट का यूज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज मींस या एक एग्जांपल हमने मैंने यहाँ पर दिखाया कि प्रोसेस लेआउट कौन सी इंडस्ट्री में होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस लेआउट का यूज होता है। अब प्रोसेस लेआउट के अंदर होता क्या है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर मशीन को लोकेट नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मशीन, मींस प्रोसेस लेआउट के बारे में बात करूं तो लेथ मशीन है तो सभी लेथ मशीन एक जगह होगी,
मिलिंग मशीन है तो सभी मशीन मिलिंग मशीन एक जगह होगी, ग्राइंडिंग है तो सभी ग्राइंडिंग मशीन एक जगह होगी, मीन सभी जो ऑपरेशन कर रहा है मशीन वो मशीन को एक ही जगह लोकेट किया जाता है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट के बारे में बात करें, इन दिस लेआउट सेवरल प्रोडक्ट मे बी शेयर मशीन टू मेक इट्स फुल यूज। इस प्रोसेस लेआउट का फायदा क्या है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करनी है तो आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि हमने लोकेट जो मशीन को किया हुआ है वो उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं, मशीन के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग किया हुआ है। इसीलिए एक से ज्यादा मशीन का यूज डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट तैयार करने में कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दिखाए गए, देख सकते हो आप, हॉस्पिटल, कॉलेज, बैंक, ऑटो रिपेयर शॉप और पब्लिक लाइब्रेरीज, उसके अंदर प्रोसेस लेआउट का यूज होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मशीन इक्विपमेंट और सर्विसेज को लोकेट करना है, इसको हम बोलेंगे प्रोसेस लेआउट। और प्रोसेस लेआउट कब यूज करना है, जब हमको मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट तैयार नहीं करनी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार करनी है तब प्रोसेस लेआउट यूज करना है। तो यहां पर हमने बात की प्रोसेस और फंक्शन लेआउट क्या है। अब हम आगे बात करें प्रोसेस लेआउट का, यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि प्रोसेस टाइप का प्लांट लेआउट कैसा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको ज्यादा करने पड़ेगा। देख सकते हो असेंबली शॉप है, मिलिंग शॉप है, ग्राइंडिंग शॉप है, प्लानिंग शॉप है, ड्रिलिंग शॉप है, तो सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले ड्रिलिंग में गया तो उसके बाद क्या होगा, हम मिलिंग में ले जाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे हम ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग के बाद फिर से हमको प्लानिंग करना पड़ा, लेथ में ऑपरेशन करना पड़ा, उसमें ले जाएंगे, उसके बाद फिर से ड्रिलिंग, मीन सीक्वेंस में नहीं जाएगा, आपकी एक लाइन सीक्वेंस में नहीं रहेगी, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन उस डिपार्टमेंट में आपको ले जाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा और डिले भी होगा। आगे बात करें कुछ एडवांटेजेस है जो यहाँ पर दिखाए गए प्रोसेस और फंक्शन लेआउट के बारे में। सबसे पहले बात करें बेटर मशीन यूटिलाइजेशन, मशीन का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद हाईली फ्लेक्सिबल इन ऑल लोकेटिंग पर्सनल एंड इक्विपमेंट बिकॉज जनरल पर्पस मशीनरी आर यूज, बराबर जनरल पर्पस मशीनरी यार यूज कर रहे हैं इसीलिए आप मशीन और इक्विपमेंट को लोकेटिंग कर सकते हैं। ग्रेटर इंसेंटिव टू इंडिविजुअल वर्कर, इंसेंटिव आप ज्यादा दे सकते हैं इंडिविजुअल वर्कर को, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा काम वो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसको ज्यादा इंसेंटिव मिल सकेगा। चेंज इन अ प्रोडक्ट डिजाइन, यह एक बेस्ट एडवांटेज है, आप प्रोडक्ट की डिजाइन में चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का जो प्रोसेस का जो लेआउट है वो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये एक बेटर एडवांटेज है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। और मशीन, लास्ट वाला जो पॉइंट है, मशीन ब्रेकडाउन होगा तो आपकी प्रोसेस वहां पर स्टॉप नहीं होगी, यह एक प्रोसेस लेआउट का बेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि एक मशीन ब्रेकडाउन से पूरी प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर नहीं रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन की। अब हम बात करेंगे आगे कुछ लिमिटेशन है इस प्रोसेस लेआउट की, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लेआउट के प्रोसेस लेआउट बेटर है, हमको हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है कि हमको हमारी प्रोडक्ट को प्रोसेस लेआउट तैयार करना है या प्रोडक्ट लेआउट से तैयार करना है। हमको प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में तैयार करना ही है तो हम प्रोडक्ट लेआउट यूज करेंगे, हमको प्रोडक्ट वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट तैयार करनी है और बैच प्रोडक्शन में तैयार करनी है तो प्रोसेस लेआउट का यूज करेंगे। यहाँ पर लिमिटेशन दिखाए गए उसके बारे में डिस्कशन करें तो हाई मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मैंने बात की एक जगह से दूसरी जगह जाने में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में हमने सेट नहीं किया हुआ है। मोस्ट स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड, लेबर जो काम कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट पे वो स्किल होने चाहिए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पर, और फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन इज नीडेड, और फ्रीक्वेंटली आपको प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाके आई और आप इंस्पेक्शन नहीं किया है तो आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेगी। तो यहाँ पर लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन की। अब बात करेंगे आखिर में इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए, सेशन देखिए और आखिर में आप इसकी एग्जाम डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, वहां पर जाके एग्जाम देके आप इस सेशन से कुछ नई चीज सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।